हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी आंतरिक और साथ में नेवी एमआर के लिए इंपॉर्टेंट का जो ये सीरीज चल रहा था साइंस टॉप 500 का एमसीक्यू जो चल रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सारी सीरीज है, तो उनका पार्ट फोर है। ठीक है, और पार्ट थ्री में देखो मैंने एक ट्राई किया था क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, तो उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। ठीक है ना, मतलब जितना मैं सिर्फ हिंदी में करा रहा था तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन सारे हिंदी में ही कर दिए। चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इसकी, तो प्लेलिस्ट में जाके देखना साइंस 2021 करके एक प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में सारी पहले की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस को कर लो। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी मैं बात बता दूँ, आप चाहो तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट बाई कर सकते हो, जो कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो मैंने खुद तैयार किया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो टोटल 600 क्वेश्चंस है, मतलब 10 प्रैक्टिस सेट है और पर प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चंस है। ठीक है, कंप्लीट है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, उसमें मैथ भी है, आपको रीजनिंग भी, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे 10 सेट तैयार किया है और हर सेट के अंदर 60 क्वेश्चन है, तो आपको 600 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और प्राइसेस बहुत कम रखी गई है, आप जाओ तो चेक कर सकते हो। ठीक है ना, चलो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ई बुक का। ठीक है, चलो हम लोग अभी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 60 तक कर लिया था ना, तो 61 से करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का फर्स्ट 61 क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के जो है ना फैराडे थे। कौन थे भाई, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन का तो नाम सुने होंगे। देखो यहाँ पे न्यूटन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे ओम तो सुने हो ना, प्रतिरोध के बारे में इनसे रिलेटेड है। ठीक है, वैसे न्यूटन किससे रिलेटेड है भाई, तो आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण से, तो वैसे ही फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को उन्होंने दिया था। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है। देखो अगर मान लो कोई एक चुंबक है, ठीक है, इस तरीके से लंबा, अगर इसको आप लटका दो तो ये इसकी डायरेक्शन जो होगी ना, ये नॉर्थ, सॉरी आपको जो होगा ये आपको नॉर्थ एंड साउथ में होगा। ठीक है, ये अपना वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इस साइड में नहीं होगा, ये उत्तर दक्षिण के साइड में हमेशा रहेगा। तो फिगर में आपको जैसा दिख रहा है, तो लटकाने पे हम लोग को ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, नॉर्थ एंड साउथ में। आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसी वजह से जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अब आगे क्वेश्चन देखते हो क्या है भाई यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहाँ से रिलेटेड दो सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, परमाणु बम और एक हाइड्रोजन बम। देखो परमाणु बम जब भी कहेगा तो ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और यहीं पे हाइड्रोजन बम रहता है तो वो नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको परमाणु बम पूछा है तो नाभिकीय विखंडन के ऊपर। ठीक है ना, तो याद रखना परमाणु बम पूछा है कि हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन तो संलयन, परमाणु तो विखंडन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। ठीक है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय तो होता क्या। देखो इसको हिंदी में हम लोग एक तरीके से परमाणु भट्टी कहते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जहाँ से एनर्जी उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है, बड़े बड़े जहाज़ों को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, और ये जो है उसमें मंदक के रूप में यहाँ पे भारी जल का यूज़ करते हैं। भारी जल मतलब हैवी वाटर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं D2O। ठीक है ना, तो D2O का यूज़ किया जाता है मंदक या फिर मॉडरेटर के रूप में। वहीं पे इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल जो कि कंफ्यूज करेगा आपको, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में, देखो पहले था मंदक के रूप में मॉडरेटर, लेकिन यहाँ पे नियंत्रक या फिर कंट्रोलर, तो नियंत्रक यहाँ पे जब भी कहेगा नियंत्रक के रूप में तो कैडमियम के रॉड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैडमियम छड़ को। तो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोलर के रूप में हम लोग कैडमियम रॉड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। देखो चार ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन, संलयन, वर्ण विक्षेपण और विकिरण। तो यहाँ पर मैं पहले आपको डाउट क्लियर कर दूँ, ये जो मान लो सन है ना, तो किसी अदर प्लैनेट्स के पास कोई उनका अपना लाइट है, ना ही किसी स्टार्स के पास उनका क्या है लाइट है। तो ये चाहे वो मून हो, चाहे मतलब एक तरीके से कोई सैटेलाइट भी हो गया, मून भी हो गया मान लो, तो ये सैटेलाइट है। अपना अर्थ जो है वो क्या है, एक प्लैनेट है, और स्टार तो स्टार ऑलरेडी है। ठीक है, सन भी एक स्टार है। अब बोलोगे सन तो स्टार है, ठीक है, तो फिर ये कैसे कह रहे हो, तो स्टार्स के पास अपना मान लो जैसे कि एनर्जी होता है। ठीक है,
तो ये स्टार्स के पास, जैसे सन भी एक स्टार है तो इनका अपना एनर्जी होता है, अपना लाइट्स होता है, लेकिन प्लैनेट्स के पास, सैटेलाइट्स के पास, एस्ट्रॉइड्स के पास अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो जो स्टार्स से निकलते हैं एनर्जी, ठीक है, या फिर लाइट जो निकलते हैं कोई भी स्टार्स में, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना, जो भी स्टार्स है उनमें से, जो सन भी स्टार से मैंने कहा ना अभी, जो भी एनर्जी निकलता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। अभी पूरे स्टार्स को छोड़ो, सन के बारे में बात करो, सूरज के अंदर जो एनर्जी होती है वो नाभिकीय संलयन पे होती है, ठीक है ना। सूरज के अंदर मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन बम भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है, और सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो ये भी नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद करोगे। फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किन किन चीज़ों से, हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, या फिर ए और बी दोनों से। मैंने जस्ट बोला ना कि सूर्य किस चीज़ का बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, तो ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सूर्य आपका हाइड्रोजन से भी बना है और हीलियम से भी बना है। आगे देखो, कह रहा है क्वेश्चन अगला कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर बनाया किसने था, अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। बट ये फर्मी ने बनाया था नाभिकीय रिएक्टर को। बट इसके पहले एक चीज़ मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जस्ट मैंने पढ़ाया, कमेंट सेक्शन में बताओ, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में क्या यूज़ करते हैं और कंट्रोलर के रूप में क्या यूज़ करते हैं, जो जस्ट कुछ सेकंड पहले पढ़ाया ना मैंने। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि याद है कि नहीं। आप एम लिख के ये इसका आंसर लिखो, ठीक है, सी एम फॉर मॉडरेटर, इसका आंसर लिखो, सी फॉर कंट्रोलर, इसका आंसर लिखो, ठीक है। तो ज़रा बताओ, मैं देखना चाहता हूँ किसी को याद है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है, क्या ऐसा गैजेट है जिससे कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट की आर्द्रता को, कितनी नमी है उसको मेजर कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से अपने एनवायरनमेंट की आर्द्रता को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। चलो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा। पहली बात तो एम्पियर नहीं होगा, रीजन एम्पियर तो ये कोई ये यंत्र थोड़ी है, मात्रक है ना। तो अभी देखो, अमीटर, अमीटर जो है ये एक क्या है भाई, यंत्र है जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, तो अमीटर को याद रखना, ठीक है। चलो अगले सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज क्या काम करता है, ठीक है, विद्युत परिपथ के अंदर फ्यूज का काम क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्युत धारा को कम या ज्यादा करने में, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये आंसर होगा, बट नहीं होगा, ठीक है। फ्यूज जो होता है ना वो बिल्कुल भी वो कम ज्यादा करने में उसका कोई भी रोल नहीं होता है। विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, या फिर विभवांतर की नियंत्रण में होता है, या फिर इनमें से सभी, देखो सभी तो नहीं है, ये फ्यूज का काम होता है विद्युत परिपथ का जो है ना वो रक्षा करना। रीजन, रीजन छोड़ो, एग्जांपल समझो कि एग्जांपल किस तरीके से, मान लो अचानक से घर में हाई वोल्टेज आ जाता है तो क्या फ्यूज की वजह से लो वोल्टेज तो होगा नहीं, वो तो ट्रांसफार्मर काम आपका, जैसे ट्रांसफार्मर का काम है ना वोल्टेज को, एसी को, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को हाई या फिर लो करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्यूज का काम क्या है, ये परिपथ की रक्षा कैसे करता है। मान लो हाई वोल्टेज एक ही पे आ गया तो वहाँ पे पूरे घर की मतलब क्या हो जाएगी ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारी तार वायर नहीं जलेंगी, वायर्स नहीं जलेंगे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा आपका फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है ना, फ्यूज जल जाएगा। तो वहाँ पे फ्यूज खुद जल जाता है, खुद उड़ जाता है, बाकी सभी जितने वायर्स वगैरह हैं, बोर्ड्स वगैरह वो सभी सेफ रहते हैं। तो इसका काम क्या है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है भले खुद जल जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों। अब इसके एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, बाकी अदर मैं आपको अलग दिखा रहा हूँ ऑप्शन। पहले ये ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो, उगता और डूबता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखता है। ऑप्शन ए कह रहा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए, या फिर आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए, या फिर उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। देखो, उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य लाल इसलिए दिखता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन कम होने का मतलब फैलाव जो है, मान लो लाल रंग फैलता कम है चारों तरफ, जो चीज़ पहले से, मान लो सूर्य के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी किरणें हैं, ठीक है, रंग है, प्रकाश है ना, बाकी सारे जो 7 प्रकार हैं वो फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, लाल कम फैलता है, इसी की वजह से लाल एक जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो उगता और डूबता सूर्य क्या होता है, इसी की वजह से लाल दिखता है क्योंकि उसके अंदर प्रकीर्णन सबसे कम होती है। आगे देखो, ये ऑब्वियस है ना कि जो चीज़ फैल जाएगा वो दूर से कम नजर आएगा, जो चीज़ इकट्ठा रहेगा वो दूर से ज़्यादा नजर आएगा। आगे क्या कह रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखो गाइस, ये रैंडम क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे मेनली जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पूछे, बट 90 डिग्री पे अगर कोई दो समतल दर्पण को रोकेगा तो यहाँ पे 3 इमेज बनेगी उनकी, ठीक है,
बट ऐसे क्वेश्चन मेनली बहुत हार्डली पूछे जाते हैं, ठीक है, बट फिर भी आप याद कर सकते हो। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 में, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर आ रहा है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखेगा। देखो एक चीज मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लो आप आ रहे हो, समतल दर्पण आपके सामने है, इसके सामने से आ रहे हो, आपकी स्पीड अगर जो भी होगी तो उस दर्पण के अंदर आपकी स्पीड की 2x होगी, मतलब 2 गुना स्पीड दिखती है दर्पण के अंदर। तो ये चीज समझ लो, ये सबको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहे हो तो दर्पण में क्या दिखेगी, 5 × 2 = 10 मीटर प्रति सेकंड दिखेगी, यही ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रहे थे और समतल दर्पण के अंदर दुगना स्पीड नजर आएगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, चलो किसका, टंगस्टन का, ठीक है ना। चलो अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पता है कि नहीं आपको बताना जरूर, हीटर की जो तार होती है अंदर की, ठीक है, जो स्पिनिंग तार होती है ना, वो किस चीज की, किस धातु की बनी होती है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, टंगस्टन, टीन, डाइक्रोम, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब बताओ, अब बता दोगे तो आपके कमेंट को एक दिल दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। पहला ऑप्शन है थकान हो जाती है इसके वजह से, या फिर गति बढ़ाने के लिए, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। देखो अगर कहीं ऊंचाई पे आप चढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो ऐसे नहीं पहाड़ पर जब चढ़ रहे हो, चढ़ते हो तो आगे की तरफ झुकते हो, ऐसा थोड़ी कि आप चढ़ते चढ़ते थक गए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं कि गति बढ़ जाएगी आप झुकोगे तो, ये भी नहीं होगा। झुकने का रीजन ये होता है कि कहीं आप पीछे ना गिर जाओ, ठीक है, तो अपने स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए मतलब पोजीशन को बनाने के लिए, इसके वजह से आप क्या करते हो, आगे की तरफ झुकते हो ताकि आपको ऊंचाई पे चलने में आसानी हो, ठीक है ना। तो बाकी आप समझ सकते हो। आगे चलो, प्रकाश वर्ष किस चीज की जो है इकाई है, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है भाई, मैंने पढ़ाया था इसको पहले कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलो आगे मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, मैं आपको पहले ऑप्शन दिखा दूँ। तो देखो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की। अब दूरी पूछोगे तो कैसी दूरी, क्या हम रोड नापेंगे क्या प्रकाश वर्ष से, कि कपड़े की लंबाई नापेंगे ना, ये खगोलीय दूरी मापी जाती है, ठीक है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10^15 मीटर, ठीक है। चलो ये प्रकाश वर्ष पूछोगे तब, मीटर में पूछेगा तब, यही किलोमीटर में रहेगा तो 10^12 हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है ना। तो ये याद रखना, मैंने आपको साइंस की क्लास के फर्स्ट दिन ही ये चीज पढ़ाया था आपको। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहे हैं, पानी से भरा हुआ ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का तल क्या होगा। देखो एक ग्लास है, ठीक है, ये इसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ एकदम, ठीक है, और इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा है पानी के अंदर, ठीक है, और वो तैर रहा है। बर्फ अगर पूरा पिघल जाएगा तो इसका पानी ग्लास का क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा या फिर बाद में घटेगा। देखो जब भी ग्लास के अंदर पानी है और उसके अंदर बर्फ है, तो बर्फ पिघल भी जाए ना तो उसके लेयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। रीजन, क्योंकि देखो बर्फ को पिघलने के बाद जितना जगह छेकना था, घेरना था, वो ऑलरेडी बर्फ घेर चुका होता है जब पानी में डालते हैं, तो इसलिए बर्फ पिघल भी जाए तो वो अपना जगह या फिर लेयर, उसके लेयर में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, वो अपरिवर्तित रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आजका, स्वचालित गाड़ियों के लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ियां जो होती है उसमें किस टाइप की ब्रेक होती है, तो आपको पता होगा वो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, ठीक है ना। कैसी ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक। सो यहाँ पे टोटल 19 क्वेश्चन ही थे, फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने जो टॉप मतलब इंपॉर्टेंट थे वो कर लिए। अभी कुछ हम लोग केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी के करेंगे अगले पार्ट्स में, केमिस्ट्री के, फिर कुछ बायोलॉजी के, फिर एग्जाम तक टाइम रहा तो और भी हम लोग इसको अलग अलग क्वेश्चन को मैं आपको देते रहूंगा टॉप, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले 500 क्वेश्चन करा दूं और डायरेक्टली सारे साइंस के क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते बाय बाय। और हाँ, अगर ये प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ईबुक का, और ये ईबुक जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, डाउनलोड हो जाएगा जब आप लोग पे कर दोगे तो, बाकी आप चेक कर लो, जरूरी नहीं है कि आप बाय करो, ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 600 क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है ना, और लैंग्वेज इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।